हेलो दोस्तों, पहले तो सबको हैप्पी होली। आज हम बात करेंगे कि होली के वक्त क्या क्या प्रोटेक्शन आपको लेना चाहिए और क्या क्या स्किन डिजीजेस रिलेटेड टू होली हो सकता है। तो पहले हम बोलेंगे कि होली के वक्त क्या क्या प्रोटेक्शन आपको लेना चाहिए। एक तो आपको जितना हो सके प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स पहनना चाहिए, इन द सेंस फुल स्लीव शर्ट्स या यू नो कवर्ड ड्रेसेस, जिसमें क्या होगा आपको रंग ज़्यादा आपका बॉडी में नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ यह है, आपको एक प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन लगाना चाहिए, एस्पेशली एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी में, क्योंकि होली का त्यौहार जो होता है यूजुअली जो तेज धूप रह रहा है तो उसके कारण आपको बहुत सारे स्किन का इश्यूज आ सकते हैं, जैसे घमोरिया, रैशेस, स्किन रैशेस या फोटोडर्माटाइटिस, बहुत कुछ हो सकता है। इसके लिए आपको एक जो है सनस्क्रीन लगाना चाहिए एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी पे। और उसके बाद आपको एक चीज़ ये है, आपको कोई यू नो बैरियर क्रीम लगाना चाहिए। बैरियर क्रीम बोले तो कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी ऑयल, जैसे यूजुअल कोकोनट ऑयल वगैरह हो गया, वो आप लगा सकते पूरे बॉडी में, ताकि कलर उसमें ज़्यादा ना टिके और दूसरा क्या है, निकलते वक्त भी आसान होगा। उसके बाद जो है आपको होली के वक्त जो नाखून के नीचे जो है कलर्स बहुत जम जाते हैं, तो एक तो आपको नाखून को ट्रिम करके करना चाहिए, ट्रिम करना चाहिए। और दूसरा क्या है, होली खेलने जाने से पहले आपको नाखून पे और नाखून के अंदर का पार्ट जो है उसमें आपको वैसलीन वगैरह लगाना चाहिए, ताकि होली कलर का स्टेन उसमें ना टिक पाए। और आपको जो है कि एक तो आपको ये सब हो गया प्रोटेक्टिव थिंग्स व्हाट यू शुड डू ड्यूरिंग होली। अच्छा, होली खेलते वक्त एक चीज़ ये है कि आप ये ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्योंकि होली यूजुअली धूप में खेला जाता है, तो बार बार कुछ पानी या नारियल पानी या जूस वगैरह पीते रहना, और बीच बीच में कभी थोड़ा छाँव में भी ठहरना चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपको घमोरिया वगैरह हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकता है, सन एलर्जी हो सकता है। अच्छा, ये हो गया होली खेलते वक्त क्या करना है आपको, और होली के बाद खेल के आने के बाद आपको कैसे निकलना है होली का कलर। एक तो आपको शावर के नीचे, ठंडा पानी के नीचे शावर के नीचे ठहरना है, उसके बाद एक माइल्ड साबुन से आप निकाल दीजिए या बॉडी वॉश से आप निकाल दीजिए होली का कलर। कहीं कहीं जगह पे आपको स्टबर्न कलर रहेगा जो इजीली नहीं निकलेगा, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि नारियल का तेल जो है वो सब जगह में लगा के थोड़े देर आप एक 2-3 घंटा रह के रुक के फिर आप नहा सकते, उसे काफ़ी हद तक कलर निकल जाएगा। बाकी जो कलर्स वगैरह है वो टाइम के साथ निकल जाएगा, ज़्यादा हार्श नहीं होना स्किन के ऊपर, मतलब जो स्क्रब वगैरह रहता है वो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे आपको इरिटेशन हो सकता है, डर्माटाइटिस हो सकता है और रैशेस हो सकता है। और बस यही है, और होली रिलेटेड कुछ स्किन डिजीजेस रहता है, जैसे एक तो तेज़ धूप के कारण, क्योंकि होली दिन में ही खेला जाता है यूजुअली, आपको घमोरिया वगैरह हो सकता है विच इज़ कॉल्ड प्रिकली हीट, और आपको सन एलर्जी हो सकता है। तो एक तो प्रोटेक्टिव सन क्रीम लगा के ही जाना चाहिए, दूसरा अगर इस तरह का चीज़ें हो गया तो आपको कोई थोड़े एक 4-5 दिन आपको
कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम लगाना चाहिए। कभी कभी कोई पार्ट इरिटेशन हो गया, इरिटेटेड हो गया तो आप माइल्ड स्टेरॉयड क्रीम वगैरह लगा सकते हैं। अगर खुजली है तो आप एंटी हिस्टामिन वगैरह ले सकते हैं। और सन एलर्जी या पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस या रैशेस वगैरह जो धूप से हो सकता है वो तो बताया हुआ, वो छोड़ के आपको कलर में जो केमिकल्स रहता है उससे आपको बहुत सारे इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो इसलिए क्या करना, एक तो होली खेलने के बाद 4-5 दिन एक हफ्ता आपको अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, और अगर फिर भी आपको इरिटेशन या इचिंग रहे तो आपको उस जगह पे कोई भी माइल्ड स्टेरॉयड क्रीम लगाना चाहिए। खुजली के लिए एंटी हिस्टामिन ले सकते, और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और जिन लोगों को पिंपल्स है, एक्नेस है, उनका पिंपल्स कलर के कारण बढ़ सकते हैं, एग्रेवेट हो सकता है, तो इसलिए एक तो खेलने से पहले ही आपको एक अच्छा सा सनस्क्रीन प्लस प्रोटेक्टिव मॉइस्चराइजर आपको लगाना चाहिए फेस में। बाद में जो खेलने के बाद जो अगर आपको एक्नेस वगैरह ज़्यादा हो गया तो आप एंटी एक्ने क्रीम वगैरह लगा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आप एंटीबायोटिक टैबलेट्स वगैरह ले सकते हैं, और फेस वॉश जो एंटी एक्ने सोप या फेस वॉश आपको यूज़ करना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि होली में आपको जो बाल है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमेशा होली खेलने जाने के से पहले आपको एक तो बाल में काफ़ी सारे तेल लगाना चाहिए ताकि कलर उसमें ना टिक पाए। दूसरा जो स्पेशली औरतों को दे शुड उन लोग एक आई मीन हेयर को टाई करके छोटा सा बन में ये करके रख सकते हैं, और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव क्लॉथ वगैरह बन सकते हैं ताकि उसमें कलर ना गिरे। बाद में वो सब के बावजूद भी हेयर में कलर लगता है और लगना मुमकिन है, तो क्या करना उसके लिए कि आने के बाद तुरंत एक शैम्पू से अच्छी तरह से शावर ले लेना, और अगली थोड़े दिन तक 3-4 दिन या एक हफ्ते तक आप हेयर में अच्छी तरह से तेल लगाना ताकि वो रफनेस रूखापन निकल जाए। और एक चीज़ ये है कि फंगल इन्फेक्शन जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि होली में जो गीला कलर होता है, गीला रंग होता है जो आपका बॉडी में अगर गिरेगा और काफ़ी देर तक अगर बॉडी में रहेगा, इससे आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर गीले रंग या पानी वाला कलर आपके ऊपर गिरे तुरंत उसको पोंछ लेना। अगर नहीं भी कर पाए तो कम से कम उसको धूप में ठहर के उसको सुखा लेना। और ये सब के बावजूद भी अगर आपको फंगल इन्फेक्शन वगैरह होता है तो आप क्या करना कि एंटी फंगल क्रीम वगैरह लगाना और एंटी फंगल टैबलेट्स भी ले सकते हैं। ये हो गया स्किन प्रॉब्लम्स। वो छोड़ के प्रिकली हीट और घमूरिया भी हो सकता है, जिसके लिए आप क्योंकि काफ़ी देर तक आप धूप में रहेंगे खेलेंगे तो उसके लिए आप कैलामिन लोशन वगैरह लगा सकते हैं। तो ये है आपका होली के लिए थोड़ा बहुत टिप्स। बाकी आपको कोई भी स्किन डिजीजेस अगर होली के कारण ज़्यादा हो गया तो आपको स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा।